आज पढ़ेंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या करेंगे, क्लास थ्री पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्व गुणज होता है, अर्थात क्यू इक्वल टू क्या होगा जी, पूर्व गुणज होता है बोल रहे, ए नहीं होता है। एक बार और बोलता हूँ, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्व गुणज होता है। जैसे एक बार लिख के मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के पर आवेश की मात्रा की पूर्व गुणज होती है। अर्थात देखिए परिभाषा में क्या बोल रहे हैं, हमें आवेश की क्वांटीकरण का सिद्धांत, किसी पदार्थ की आवेश की मात्रा, एक किसी पदार्थ की आवेश की मात्रा, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश की पूर्व गुणज होती है, इलेक्ट्रॉन की आवेश की पूर्व गुणज होती है। ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा जी। अब इसके बेस में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिख दिया हुआ है, यदि पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अब मान लीजिए एक पदार्थ है उसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो आवेश की मात्रा व आवेश का प्रकार बतलाइए। तो आवेश की मात्रा, अब हमें एक पदार्थ दिया हुआ है अर्थात n इक्वल 100 दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को पता है e इक्वल क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था जी, q इक्वल टू ए नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो n की वैल्यू 100 दिया है और e की वैल्यू 1.6 × 10⁹ दिया हुआ है। तब आगे क्या हो जाएगा जी, इसको 10⁻² कर सकते हैं, 10⁻² यहाँ से माइनस हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते जी, 10⁻² × 1.6 × 10⁻¹⁹। अब ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मतलब कट जाएगा दो, तो कितना बच जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁷। अब इसमें आएगा यूनिट पदार्थ की, कूलाम में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, अब एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपने को एक कूलाम आवेश यहाँ पे कूलाम में निकालना था, तो एक कूलाम दिया हुआ है ना अपने को, एक कूलाम दिया हुआ है, E इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नहीं हो जाएगा जी, ठीक है, अपने को फॉर्मूला पता है। अब क्या की वैल्यू दिया है, 1 दिया है और n निकालना है, और इसकी वैल्यू क्या दिया है, 1.6 × 10⁹ दिया है, इतना दिया हुआ है हमें। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे क्या होगा जी, n इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, सबको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले आए तो 18 नहीं हो जाएगा, और इस 16 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं लिख सकते जी, 1.6 × 10⁻¹⁹। अब इसको और आगे फर्दर करेंगे तो 100 × 10⁻¹⁶ लिख सकते हैं, 0.16। और आगे देखें n इक्वल क्या आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा जी, 6.25 आ जाएगा, 6.25 × 10⁻¹⁸। ये हमारा क्या हो जाएगा जी, फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा बस,
ये देखिए क्या दिया हुआ है, एक वस्तु पर 80 माइक्रोन कूलाम ऋण आवेश है, उस पर अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। अब एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है जी। तो अपन क्यू इक्वल टू 18 माइक्रोन बोल रहे हैं ना, माइक्रोन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी लिख सकते हैं। तो और आगे कैसे लिख सकते हैं जी इसको, 18 × 10⁻⁶ माइक्रोन को -6 बोलते हैं ना माइक्रोन, तो क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम नहीं होती है जी, अपने को फॉर्मूला क्या होता है, और 1/n ही होता है क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार। तो फॉर्मूला वैल्यू रख देते हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या दिया है, 18 × 10⁻¹⁶, और एन अपने को निकालना है, और ई की वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻¹⁹ दिया। इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं, एन 18 × 10⁻⁶ और 1.6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, अब ए ऊपर चले जाएगा तो ए प्लस हो जाएगा ना जी, तो प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 18 × 10⁻⁶ × 10⁻¹⁹, और प्लस 6 गया तो कितना, 13 बच हो जाएगा, 13 बच जाएगा ना जी, 13 बच जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 18 × 10⁻¹⁲ हो जाएगा, अपॉन 16 हो जाएगा। अब इसमें एक और कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 80 यहाँ से एक जीरो और काट दिए, तो अब इसको देखो, यहाँ से यहाँ पॉइंट के लिए 10 यहाँ पे लिख सकते हैं, 16 × 5 = 80 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻¹⁵ हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो बढ़ गया तो 14 ही हो जाएगा जी। एन एक बार मैं और यहाँ समझा देता हूँ आप लोग को, जैसे कि देखो अपने को 80 दिया हुआ है, × 10⁻¹⁷ था, और क्या था अपने पास, 0.16 था, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकालना है, तो 0.16 को और ऊपर ले आए तो ये 10 बन जाएगा। अभी 16 बन गया तो 16 × 16 = 80, तो ये क्या हो जाएगा, एकम, और 85 हो गया × 10 × 10⁻¹⁷, और अपान एन, तो एन इक्वल क्या हो जाएगा, ये इसमें प्लस हो जाएगा ना जी, तो 5 × 10⁻¹⁴, जिसका आंसर 14 आ जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत।